नमस्कार, आज हम कच्चे आम की कैंडी बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 1 केजी आम लिए हैं और इसको हम छील के पहले साफ करेंगे। तो धोकर मैंने साफ कर लिया था और हम छील कर इनको साफ करेंगे। देखिए, मैंने आम को छील लिया है और हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम छोटे छोटे पीस करेंगे और इनको भी इसमें भी हमें छोटे छोटे पीस करने, जिससे हमें पीसने में आराम मिलेगा, आराम से अच्छे से पीस जाएगी, फाइन हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। इसलिए हमको इसको छोटे छोटे पीस में पहले हम इस तरह से निकाल लेंगे, फिर छोटे छोटे काट लेंगे। ये देखिए, हमने आम काट के तैयार कर लिए हैं। आम इनको पीसेंगे, बिल्कुल महीन पीसना है हमको, तो हम इसको छोटे जार में पीसेंगे। ये देखिए, मैंने पीस के ये तैयार कर लिया है, बिल्कुल फाइन पीसा है। इसको हम गरम करने रखेंगे गैस पर। देखिए, मैंने गैस पे चढ़ा दिया। अब इसको हम लगातार चलाते हुए, इसका पानी जब कम हो जाएगा तब तक हमें इसे चलाना है, गाढ़ा करना है। इसी तरह चलाते हुए इसका पानी कम हो जाए, फुल फ्लेम पर हम इसको 4-5 मिनट पकाएंगे, फिर इसकी मीडियम कर देंगे इसको। ये देखिए, हमारा इसमें गाढ़ा हो गया है ये, और इसमें हम ये चीनी डाल देंगे। 1 किलो हमने आम लिए थे कच्चे, और ये 200 ग्राम हमने इसमें चीनी डाली है। इसको मिला देंगे। अब ये पतला हो जाएगा तो इसको अभी गाढ़ा करेंगे, तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमारा गाढ़ा हो गया है बिल्कुल, और हम इसमें ये फूड कलर थोड़ा सा मिलाएंगे, हल्का सा मिलाएंगे, और इसको अच्छे तरह से हमें मिला देना है। मैंने अच्छी तरह से इसको मिला दिया है। अब हम इसमें ये नमक डालेंगे। ये हमने 10 ग्राम इसमें नमक डाला है, जीरा, भुना जीरा है ये 5 ग्राम डाला है, और ये काला नमक 5 ग्राम, तीनों ये सब मसाले और सब चीज़ें जो भी हमने इसमें डाली हैं, सब तौल कर ही डाली हैं। आप भी तौल कर ही बनाइए तो बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया हमारी कैंडी बनकर के तैयार होगी। ये देखिए, अब हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। ये देखिए, एक थाली ली है, इसमें हम जमाएंगे, और इसमें ये हमने घी डाला है, और इसको हम अच्छी तरह से फैला देंगे सभी में, जिससे हमारा जब ये आम की कैंडी है बन के तैयार होगी, सूखेगी तो ये आराम से निकल पाए। अब हम इसमें ये अपना डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इस थाली में पूरा पलट लिया है और उसको टैप कर दिया, जिससे ये सब जगह से एक सी हो गई। अब हम इसको धूप में रखेंगे, और जब सूख जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह की तैयार हुई है। देखिए, हमारा ये कैंडी सूख के तैयार हो गई है। अब हम देखिए इसको इधर से निकालेंगे। देखिए, धीमे से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी ये निकल आई। इसको हम की तरफ इसको इस तरह बिछा लेंगे। इसको हम यहाँ से ये काट देंगे, इसको चारों तरफ से हमको इसको काट देना। ये देखिए, हमारी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। ये देखिए, और अब हम इसके पीस करेंगे। तो हम पीस में इसको काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इतने चौड़े चौड़े पीस, एक एक इंच के हम पीस इसमें इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए, और इधर से भी हम इस तरह से कर लेंगे इसको। 1 इंच का ही हम इधर से भी करेंगे। ये देखिए, कितनी बढ़िया हमारी कैंडी बनकर की ये देखिए तैयार हुई है। देखिए, कितनी सुंदर, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। इसी तरह हम सब पीस कर लेंगे। ये देखिए, ये पिसी हुई चीनी
ली है और इसमें ये एक चम्मच हम चाट मसाला मिलाएंगे और इसको अच्छे तरह दोनों को मिला देंगे और इस मसाले को हमें इस कंडी के ऊपर डालना है इस तरह से हम सब पर डाल लेंगे और सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी कैंडी बनकर के तैयार हुई है कच्चे आम की। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।